शांति। आज की तारीख है 16/3/23 और आज की ज्ञान मुरली का शीर्षक है मीठे बच्चे बाबा आए हैं तुम बच्चों की महफिल में। अभी तुम ज्ञान अमृत की महफिल मना रहे हो, तुम्हारी मुसाफरी अब पूरी हुई, अब वापस घर जाना है। प्रश्न है, अनेक प्रकार के तूफानों में याद को सहज बनाने की विधि क्या है? उत्तर है, शरीर निर्वाह करते 5-10 मिनट भी बुद्धि को शिव बाबा में लगाने की कोशिश करो। इस शरीर को भुलाते जाओ, पाठ बजाने के लिए इस शरीर में आई हूँ, अब फिर अशरीरी बन घर जाना है। ऐसे ऐसे अपने से बातें करो। एक सत बाप के साथ बुद्धि का संग हो, दूसरे संग से अपनी संभाल करो तो याद सहज हो जाएगी। गीत बजा है, आ गए दिल में तुम मेरी महफिल में तुम। धारणा के लिए मुख्य सार के दो मधुर महावाक्य। नंबर 1, अपनी ऊंच तकदीर बनाने के लिए विकर्म विनाश करने का पुरुषार्थ करना है, पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना है। नंबर 2, कुसंग से अपनी संभाल करनी है, पतित पावन बाप के संग से स्वयं को पावन बनाना है। वरदान सतगुरु परमपिता शिव बाबा का स्वदर्शन चक्रधारी बन हर कर्म चरित्र के रूप में करने वाले माया जीत सफलता मूर्त भव। मीठे मीठे बाप दादा कहते हैं, जैसे बाप के हर कर्म चरित्र के रूप में गाए जाते हैं, ऐसे आपके भी हर कर्म चरित्र के समान हो। जो बाप के समान स्वदर्शन चक्रधारी बने हैं, उसमें उनसे कभी भी साधारण कर्म हो नहीं सकता। स्वदर्शन चक्रधारी की निशानी ही है सफलता स्वरूप। जो भी कार्य करेंगे उसमें सफलता समाई हुई होगी। स्वदर्शन चक्रधारी माया जीत होने के कारण सफलता मूर्त होंगे और जो सफलता मूर्त है वो कदम में पदमा पदम पति हैं। स्लोगन है, खुशी के समर्थ संकल्पों की रचना करो तो तन मन से सदा खुश रहेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। ओम शांति।